कौन हो तुम? कौन कौन हो तुम? तुम इस वक्त क्या मेरे इस खेमे में चला जाओ, गिरफ्तार कर लो जाए। अबीर, शाही खेमे के आसपास इस वक्त की आवाज सुनने वाला कोई जिंदा नहीं रहा। तुम्हारी मौत शायद तुम्हें यहां तक खींच के ले आई है बीवरा। वीर, मुझे हैरत है आप मुझे मौत से डरा रहे हैं। मैं तो खुद मौत को गले लगाने आपके पास आया हूं। आपका मुजरिम मैं हूं, फैसला मेरे और आपके दरमियान होना चाहिए। उन लोगों का क्या कसूर जो सब जंग में बेगुनाह मारे जाएंगे? ये ले, मेरी ही तलवार से मेरा गला काटकर हजारों बेगुनाहों को नाक मरने से बचा ले। तुम शायद हमें अल्फाज के जाल में फंसने की कोशिश कर रहे हो। नहीं अमीर, नहीं, ये मेरी आखिरी गुजारिश है, मौत की सजावार की आखिरी ख्वाहिश जैसी। लेकिन मुझे तसल्ली होगी कि मरने से पहले मैंने आपको तमाम सच्चाई से आगाह कर दिया। फैसला आपके हाथों में है, लेकिन लेकिन मुझे मेरी मां की दूध की कसम, जिस तरह आपकी बेटी पाक है, जो कुछ हुआ हालात की वजह से हुआ। इसमें ना मेरी नीयत थी ना आपकी बेटी का इरादा। सजा के लिए हाजिर हूं। ये शेखटी कौन है? बेटी, वो सैयद हैं, हमारे पीर व मुर्शिद। वो जब भी यहाँ आते हैं उनका शायान निशान इस्तकबाल होता है। मेरी किस्मत कि जब से सीवी आया हूँ वो जब यहाँ आते हैं मैं यहाँ नहीं होता। आज एक अरसे के बाद उनका इस्तकबाल करने जा रहा हूँ। और हाँ, ब्यूरो शिकार पर गया हुआ है, जब वो वापस आ जाए तो उसे बताना कि मैं शेखटी के इस्तकबाल के लिए गया हूँ, और वो भी वहीं आ जाए। अच्छा बाबा। हम फकीर लोग एक ही सीधा रास्ता चलते हैं। मेरा ये कौल है कि जो शख्स भी इस राह में रुकावट डालेगा या सामने आएगा, मैं उसकी जिंदगी की जमानत नहीं दे सकता। बीरतन, मेरे बाबा का खून नाक हुआ है और मैं इसका बदला जरूर लूंगा। लेकिन बीवरा, शेखटी का कॉल था कि लेकिन मेरे बाबा ने किसी के कॉल को जख्मी पहुंचाए। वो तो अकीदतन शेखटी के हाथ चूमने उसके सामने गया था और उसे कत्ल कर दिया गया। पीरब, शेखटी सरदार चाकर के पीर मुर्शिद भी हैं और उनके बारे में तुम्हें चाकर का कॉल नहीं भूलना चाहिए। अगर ये कत्ल सरदार चाकर ने भी किया होता तो मैं उसका बदला सरदार चाकर से जरूर लेता। ये कत्ल नाहक हुआ है और मैं इसका बदला शेखटी से जरूर लूंगा।
की है ब्योरख ने, क्या उसे मेरा कॉल याद नहीं रहा? सरदार, वो कहता है कि उसका बाप नहक मारा गया था। शेख कटी ने अपना कॉल निभाया है। मीर जाड़ो हद्दे और शेख मुरीद ने अपने कॉल निभाकर कॉल की रिवायत को बरकरार रखा है, तो ये कैसे मुमकिन हो सकता है कि चौकर खान अपना कॉल ना निभाए? मैं ब्यूरोक को नकेल जरूर डालूंगा। जो होगा देखा जाएगा, लेकिन चाकर, चाकर जीते जी बीवर को नकेल कभी नहीं डाल सकेगा। लेकिन सरदार, चाकर के इलाके में रहते हुए तुम ये सब कुछ किस तरह सोच सकते हो? अगर चाकर इस मामले को बढ़ाना चाहता है तो उसके इलाके को छोड़ा भी जा सकता है। हम उसकी नवाजशों से आजाद भी रह सकते हैं। गौराम भी मेरा भाई है, वो भी हमें खुशामदीद कहेगा। और अगर ऐसा ना भी हो तो अल्लाह की जमीन बहुत वसी है। चाकर खान अपना कॉल जरूर पूरा करेगा। ये दीगर बात कि मेरे और ब्यूरख के दरमियान फैसला कब होता है। इस वक्त मसला ब्यूरख का नहीं, नली की शिकस्त का बदला है। ब्यूरख तक कमक ना ला सका, बल्कि वक्त उसे हमसे भी दूर कर दिया। और अब मैं खुद मिर्जा शाह हुसैन के पास जाऊंगा। पहले नली की शिकस्त का बदला, बाद में ब्यूरख का अंजाम। जिस उम्मीद से आप हमारे पास आए हैं उसने हम आपको मायूस नहीं लौटाएंगे। आले मर्तबत आपका इकबाल बुलंद हो। मुझे मदद के लिए मीर जुनून दरकार है। वो एक मक्कार और नाकाबिले एतमाद शख्स है, इसलिए हमने उसे कैद कर रखा है। जो शख्स हमें धोखा दे सकता है उससे हम किसी दोस्त की मदद की क्या उम्मीद रख सकते हैं? मेरे नजदीक उस पर एतमाद गलती होगी। आपकी फहम फरासत पर शुबा नहीं आले मर्तबत, लेकिन गरी हालात में समझता हूं कि मीर जुनून ही हमारे लिए कारगर साबित होगा। ठीक है, इख्तलाफ के बावजूद हम आपकी ख्वाहिश का एहतराम करेंगे। मीर बलाज। जी सरदार। अमीर जुनून के मिजाज से तुम अच्छी तरह वाकिफ हो। वहां जाकर बात क्या करनी है ये तुम अच्छी तरह जानते हो। सरदार, आप मुतमईन रहे, मुझे तुम्हारी सलाहियतों पर फख्र है। हमारे यहां आने का मकसद हरगिज ये नहीं कि हम शिकस्त के खौफ से आपको जंग न करने को कहें, बल्कि हमें तो आपकी मेहमान नवाजी और बेहतर सलूक यहां लाया है। अच्छा बुरा वक्त तो जिंदगी के साथ साथ होता है। जंग का फैसला क्या होगा ये तो आने वाला कल ही बता सकेगा। आप इस वक्त हमारे दुश्मन ही सही, लेकिन हैं तो हमारी सरजमीन पे, और इस तरह आप हमारे मेहमान बनते हैं। आप आज का खाना हमारे साथ खाएं, ये मेरी ख्वाहिश नहीं बल्कि हमारे सरदार मीर गौराम खान और तमाम कबीले की ख्वाहिश। लेकिन ये कैसे हो सकता है कि कल आपके खिलाफ मैं तलवार उठाऊं? कल की किसे खबर, अभी कुछ दिन पहले ही तो हम आपके सरजमीन पर आप ही के मेहमान थे। ये कैसे हो सकता है कि हम अपनी ही सरजमीन पर अपने मौसिनों की मेजबानी न करें? नहीं, ये हमारी रवायत के खिलाफ है।
जिसके लिए हमारी आइंदन असले हमें कभी माफ नहीं करेंगे। हम ये तो नहीं कह रहे कि आप हमारे खिलाफ जंग न करें, बल्कि हमने पहले ही कह दिया था कि शायद चाकर खान आपका बेहतरीन दोस्त साबित न हो, लेकिन हम आपके कमजोर दुश्मन साबित नहीं होंगे। हम तो सिर्फ इतना जानते हैं कि आप हमें हमारे रिवायत निभाने का मौका दें। तो फिर ठीक है, हमें आपकी मेजबानी कबूल है। आपकी तरफ से रात को खाने के आए हुए बर्तन अभी तक वापस कोई नहीं ले गया। सरदार गोराम की यह रवायत है कि वो खाने में भेजे गए बर्तन वापस नहीं उठवाता, चाहे वो सोने की क्यों ना हो। खाने में भेजे गए ये सोने के बर्तन सरदार की तरफ से अमीर जुनून के लिए एक हकीर सा नजराना है। अमीर, मैं इसलिए आया था कि चाकर की तरह मैं भी आपका दोस्त हूँ। ये हमारा दो भाइयों का आपस का मामला है जिसे हम बिरादराना तौर पर हल कर सकते हैं। मैं तो ये चाहूंगा कि मेरे और चाकर के दरमियान आप गैर जानबदार रहें। मैं खुद इसी उलझन में हूं। वैसे मैं मिर्जा शाह हुसैन के फरमान के मुताबिक यहां आया था। मिर्जा शाह हुसैन को तो आप सही सूरत हाल बता सकते हैं। हो सकता है चाकर ने कोई गलत फहमी पैदा कर दी हो, लेकिन आप तो सही सूरत हाल से आगा। मैं कोशिश करूंगा कि मिर्जा शाह हुसैन को सही सूरत हाल समझा सकूं, और मुझे यह एहसास है कि यह आपका निजी और बिल्कुल जाती मामला है। मैं खुद भी वापस कूच कर जाने के बारे में सोच रहा था। कैसी हो बेटी? बस ठीक हूँ बाबा, तकदीर का लिखा पूरा हुआ। हाँ, मुझे यहाँ पहुंच के ये मालूम हुआ कि चाकर और बीवर के ताल्लुकात कशीदा। आपने दुरुस्त सुना है बाबा, शेखटी की कत्ल के बाद इनके ताल्लुकात खत्म ही समझे। कुछ गोराम की बातों से और कुछ तुम्हारे हालात से आगाही के बाद मैं इस नतीजे पे पहुंचा हूं, अगर वो अपनी आग खुद ही बुझा ले तो बेहतर है। मैं वापस जाने की सोच रहा हूं। क्या तुम अपने बाबा के इस फैसले को दुरुस्त समझती हो कि वो वापस जा रहे हैं? इन हालात में इस फैसले को दुरुस्त समझने के अलावा और कोई चारा भी नहीं। ये हमारी बका का मसला है। ठीक है, मेरे और चाकर के दरमियान शदीद इख्तलाफात हैं, बल्कि इज्जत और जिल्लत का सवाल है, मगर मैं ये कभी नहीं चाहूंगा कि अपनी अना को अपने साथियों की बका पर तरजीह दूं, चाहे साजिश को खत्म करने के लिए मुझे चाकर के दरबारी क्यों ना जाना पड़े। मुझे इस वक्त यहां पाकर आप ये ना समझे मैं झुक गया हूं। तो फिर क्यों आए हो? मैं आपको आने वाले खतरे के बारे में आगाह करना चाहता हूं। खुल मत करो, खुलकर। सरदार मीर गोराम जुन्नू को अपने जाल में फांसने में कामयाब हो गया है। सुबह जब आप तबले जंग बजाएंगे तो जुन्नू आपके साथ नहीं देगा, बल्कि वापस कंधार चला जाएगा। नहीं, ये नहीं हो सकता। अगर हाकिम अपने वादों से इस तरह आजाद हो जाए तो सल्तनतों के निजाम धर्म भरम हो जाए। सरदार, ये हो चुका है और आप अच्छी तरह जानते हैं। बीबर मर सकता है लेकिन आपके साथ झूठ नहीं बोल सकता। अगर ये सच है भी तो भी इसकी तला देने तुम क्यों आए हो? जब तुम्हें अपने बारे में चाकर खान का कॉल याद नहीं रहा, इसलिए कि आपके साथ धोखा हो रहा है, इसलिए मैं आपको आगा करना जरूरी समझता हूं। रही मेरी और आपकी बात तो इसका फैसला वक्त करेगा। बहुत बुरा किया है सनू, बहुत बुरा किया है। अब एक और शिकस्त मेरा मुकद्दर बन जाएगी। नहीं,
इस बार फतेह आपके दरवाजे पर दस्तक देगी। अमीर जुन्नू भी इस जंग में आपके साथ देगा। ये कैसे हो सकता? अभी तो तुम कह रहे थे कि वो आप मुझ पर छोड़ दें। आप सुख तबली जंग बजवा रहे हैं। वापसी के लिए कूच की तैयारी मुकम्मल है क्या? जी अमीर। मीर क्या हुआ? अमीर क्या हुआ तुम्हें? हैदर क्या हुआ? हैदर को क्या हुआ? हैदर को गौराम के साथियों ने कत्ल कर डाला। अमीर हैदर अमीर मैंने उससे बचाने की बहुत कोशिश की लेकिन वो तादाद में ज्यादा थी। उन्होंने मुझे मुर्दा समझकर छोड़ दिया। हैदर को मार डाला उन्होंने। मैं उस वक्त तक वापस नहीं जा सकता जब तक मेरी तलवार गोहराम से अपने हैदर का इंतकाम न ले ले। तब ले जंग बजा दिया जाए। बाबा जान बहुत कुछ कर लेना मुमकिन था रामेन बेटा, मगर हम छोटी छोटी हकीकतों के असीर हो गए। अब शऊर की तमाम वजाहतें हो चुकी। काश हम एक दूसरे को माफ कर देते। बाबा जान आप उम्मीद तो रखें कि ये सब कुछ फिर अबजा हो जाएगा। उम्मीद के कयाम की सूरतें हमेशा इजाफी होती हैं, इसलिए हर इंसान हमेशा पुर उम्मीद भी रहता है और ना उम्मीद भी। जब रंग के अंदर रंग और परछाई के अंदर परछाई आ जाती है तो खुद को संभाल कर निकालना बहुत मुश्किल हो जाता है। जो शख्स जिंदगी भर फरेब खाता रहा मुस्तकबिल के तारे पर, उसे मुस्तकबिल कहां मिल सकता है? फिर भी एक बेहतर जिंदगी गुजारी जा सकती है। जिंदगी अब तुमने गुजारनी है। मैंने जो वक्त गुजारा वो अपने साथ लिए जा रहा। सरदार सूरज गरूब होने को है, इस वक्त आप कहां जा रहे हैं? कसम है डूबते सूरज की हसन लाशारी, हम सब खसारे की तरफ लौट जाने वाले हैं। जब तक हक को सब्र के साथ न पहचाना जाए यकबख्तगी धूप के रंग को कच्चा कर देती है। रोशनी की टिमटिमाहट से अंधेरा ही फैलता है। हम सब थोड़ी रोशनियों के मारे हुए थे इसलिए ज्यादा ही भटक गए। मुड़ी है में से कुछ मेरे बुजुर्ग
और कुछ मेरे भाई हैं जो मेरे या मेरे भाइयों के हाथों मारे गए। जब कौमों पर जवाल आता है तो लोगों की अक्ल पर पत्थर पड़ जाते हैं और वो इन्हीं पत्थरों से एक दूसरे को मारने लगते हैं। आप जो जा चुके हैं और हम जो जाने वाले हैं सब इन्हीं पत्थरों के जख्म खुर्दा हैं। मैं इस सन्नाटे में अपने इतराफ की आवाज रोशन कर रहा हूं। मेरा वजूद शायद इस जमीन का हिस्सा न बन सके लेकिन मुझे इसकी तारीख से अलग नहीं किया जा सकेगा। काश मेरी आवाज आइंदा नस्लों के लिए मशाल की तरह जलती रहे। बस बेटे दुआ करो हम हमेशा की तरह एक हो जाए। हाँ बाबा, जंग हमारे नौजवानों को खा चुकी है और अब रेहान भी। क्या हुआ रेहान को? आपको मालूम नहीं बाबा, कुछ दिन हुए रेहान घोड़े से गिर के मर गए। अच्छा बाबा, अब हम चलते हैं। अल्लाह यमा अल्लाह यमा। बेटी नाजो, बेटी नाजो, बेटी नाजो, बेटी नाजो, नाजो। चश्मे के पानी में कैसा गुबार आ गया है। वो बूढ़ी जुबानों की मुश्किल कहानी थी क्या? नक्श जिनके हवाओं ने कुमला दिए। निशान दर निशान जिंदगी का हवाला,
उजड़ कर शराबों की सूरत है बाकी। गुजरते हुए कारवानों की यादें शिकस्त तनावों पे खैमों की तहरीर क्या थी, पढ़ी भी न जाए सुनी भी न जाए। जले पत्थरों पर ठहरती शबों की ये क्या राव लिख कर गई है। वक्त ने जब ये सोचा तो ऐसे लगा जैसे वादी के सब सर पत्थर पिघलने लगे। सरबुलंद और भरपोश ये चोटियां और खामोश खामोश ये वादी, इनके सीनों में है दफन सदियों के राव। वक्त रुकता नहीं, वक्त रुकता नहीं। मौसमों की ऊंच नीच ही तो बलोचों की तारीख है, और मेरी ये तमन्ना है कि यह हमारा मुकद्दर ना बने। बहरहाल मौसम तो गुजर जाने वाली शय है, इससे खायफ नहीं होना चाहिए। वैसे कल की घोड़दौड़ और निशानेबाजी कैसे रहेगी? रगों में खून अपने और साफ के साथ दौड़ता है। मुझे उनकी कारकर्दगी पर हैरत नहीं, इत्मीनान हुआ है, मसरत हुई है। वाकई वाकई ये दिल को खुश कर देने वाला एहसास था। लेकिन मीर शेख, तुम्हारे निशाने की बात ही कुछ और है। मेरा निशाना मेरी कुव्वत इरादी और तजुर्बे पर मुनासर है। अब इसमें बिनाई का दखल बहुत कम रह गया है। मेरे हाथों से निकले हुए लाखों तीरों ने मुझे यकीन के मकाम पर ला खड़ा किया। अब अगर वक्त की आंधी मुझे अंधा भी करते तो वो मेरे यकीन को गुमान में नहीं बदल सकती। हाँ वाजा, तुम्हारा यही यकीन हमारा एतमाद है। नजबन, याद रखो, यकीन का मकाम दिल होता है, जहां से पूरे बदन में फैलाव के लिए खून उमड़ता है, जिसे सब और साफ नस्लों तक मुंतकिल होते हैं। वो बच्चे जो कल तक हमारी उंगली पकड़कर हमारे साथ चला करते थे, मैं समझता हूं कि अब वक्त आ गया है कि हम अपने इस फैले हुए यकीन को साथ लेकर चलें, क्योंकि मैं अब उस चट्टान की मानिंद हो गया हूं जिसको वक्त की यलगार ने मुस्ताकम तो कर दिया है, लेकिन उसका हर थपेड़ा बड़ी आहिस्तगी से इंसान को अंदर ही अंदर से खोखला कर देता है। हम सब आपकी खैर और सलामती के तलबगार हैं। नाजवानी तो सिर्फ आपके दुश्मनों को जेब देती है। वक्त और तजुर्बात के बोझ को आसान मत समझो, क्योंकि बोझ को बहलाया नहीं जा सकता, ये तो रेजा रेजा कर देने वाला अमल है। मीर, कोच के बारे में क्या हुक्म है? इंतजार।
ये एक बीमार और कपकपाती सोच है बाबा कि कोई और हमारी मसलियत हमसे ज्यादा बेहतर जानता है। हम 40,000 अफराद के पेशरो हैं, इतनी बड़ी कुव्वत के होते हुए मसलियत के मानी बुजदली बन जाते हैं और फिर हम कोई ऐसा गलत काम नहीं कर रहे। आने वाले सुनहरी दिनों की तरफ बढ़ना चाहता हूं मैं। गौराम, सरदार शेख तुम्हारा बुजुर्ग है, मेरा भाई, तुम कोई गलत कदम नहीं उठाओगे क्योंकि उसकी सोच, उसके ख्वाब सब हमारे लिए है। वो हमारी आंखों के ख्वाब नहीं देख सकता बाबा ना, हमें कुछ करना होगा, हमें ही कुछ दिखाना होगा। जब तक हम मुख्तलिफ किस्म की लकड़ियां डालकर आतिशदान को नहीं भड़काएंगे तब तक उसे हमारे अंदर की आग का एहसास नहीं हो सकता। और अगर हम ऐसा नहीं करेंगे बाबा तो यकबस्ता हवाओं में हमें अपने वजूद का एहसास तक नहीं रहेगा। फिक्र ना करो, सब ठीक हो जाए। सरदार को सिर्फ बीवर्क के सिवी और कच्ची से वापस आने का इंतजार है। वो करता रहे इंतजार, मैं इतना इंतजार नहीं कर सकता। उसके आने तक मैं अपने 40,000 बंदों को, ये माल मवेशी कीमती ऊंटों को बर्फ का कफन पहना कर बैठा रहूंगा। हम कूच करेंगे बाबा, यही मेरा मशवरा। ये तुम्हारा मशवरा है लेकिन सरदार का ख्याल है कि कूच के लिए ये मुनासिब वक्त नहीं है। तो मुनासिब वक्त कब आएगा बाबा? आएगा या नहीं क्या पता। इंतजार कर रहा था। आल तमाम तफसील लेकर आया हूं। हुक्म जल्दी पहुंचने का है, अब अपने यहां से चलना चाहिए। रोटी तो खाकर जाएं, सफर लंबा है। ऐसा करें साथ ले जाएं। हाँ ठीक है। बख्तावर तो कपड़ा लाना। आपकी मेहमान नवाजी बहुत याद आएगी। चलो यार
मौला मदद। अल्लाह यमान। ये सूरत हाल हम सबके लिए अफसोसनाक है। मसला एक सरदार का नहीं, उनके मोतबरीन का नहीं, बल्कि कौम के तमाम कबाइल और उनकी माल मवेशियों की जिंदगी का है। सरदार, आपकी सोच काबिल सताइश है। दर हकीकत नई राहों की तलाश हमारी अहम तरीन जरूरत है। इसी मकसद के लिए हमने सीस्तान से हिजरत की थी, ताकि हम अपनी शाखें दूर दूर तक फैला दें। अगर हालात में कुछ तो बहरहाल बहर सूरत करना है, और इसी में बेहतरी और भलाई है। लेकिन उस कुछ से क्या फायदा, एक अजदे के मुंह से बचने के लिए दूसरे अजदे की पनाह ली जाए। हमें फसलत की बजाय तदब्बुर से काम लेना होगा। हाल है जी, 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 जी। हाल दो कि तुमने सीवी और कच्ची के इलाके को कैसे पाया। सरदार, अल्लाह की अमान और आपके सर की सलामती। जो कुछ सुना था उससे बढ़कर पाया। सेवी और कच्ची की चरागाहों पर सब्जा बरसता है, फसलें तैयार खड़ी हैं, और पानी आपे हयात। सरदार, मेरी राय है कि हमें मजीद वक्त जाया किए बगैर यहां से कूच करना चाहिए। लेकिन उमर नहानी, मेरा फैसला तुमसे मुख्तलिफ है। क्या आप हमें अपने फैसले से आगाह करना चाहेंगे? बिजार खान, मेरा फैसला है कि बलोचों की बहादुरी और फतह की इस निशानी को माले मतलू का नहीं बनने दूंगा। मैं इस इलाके के इंतजाम किसी के सपुर्द करके ही कूच करूंगा। गौराम खान फौरी कूच के लिए जिद कर रहा है। गौराम जज्बाती नौजवान है, उसकी रगों में भी हमारा ही खून दौड़ रहा है, और अगर उसने कूच का फैसला कर लिया है तो हम उसे नहीं रोकेंगे। नर्सबंद जी। सरदार, गौराम से कह दो कि वह आज ही लाशार कबाइल को साथ लेकर तरामूला के रास्ते गंदावा और गजान की तरफ कूच करे। चंद दिनों के बाद हम खुद तरबलाल के रास्ते सीवी की तरफ कूच करें। इलाकों से आने वाले खाना बदोशों ने हमारे कई सरहदी इलाकों पर कब्जा कर लिया, और हमारे महाफिस उन्हें रोकने की बजाय हाथ पर हाथ धरे बैठे रहे। आली मर्तबर, बात बात पे कट मरने वाले नवारिद बलोच जो ताइफा लाशार कहलाती है, अपने अमीर गोहराम के इशारे की मुंतजर रहती है। ये लोग अपने सरदार के इशारा पाते ही आगे बढ़कर हमारे इलाकों पर कब्जा जमा लेते। आलीजा, हमारे पास सरहदों की हिफाजत के लिए बाकायदा फौज नहीं है, इसलिए हम हमलावर लश्कर को पर वक्त आगे बढ़ने से रोक नहीं सकते। हमें मालूम है कच्ची के लोग खुशहाल और अमन पसंद है। इसके अलावा हमें कभी किसी बैरूनी हमलावर से कोई खतरा नहीं था, इसलिए हमने कभी सरहदी फौज रखने की
जरूरत महसूस ही नहीं की। आलिया, उनकी तरफ से सरहदी खिलाफ वर्जियां रोज बरोज बढ़ती जा रही हैं। उनका लेजा तीर की मानिंद और बात तलवार की नोक पर है। अगर हमने उनके खिलाफ फौरी कार्रवाई ना की तो उनके हौसले बुलंद होंगे और वो मुस्तकबिल में हमारे लिए बहुत बड़ा खतरा साबित हो। हमें इस बढ़ते खतरे का पूरी तरह एहसास है और उनसे निमटने के लिए अपने आली मकाम जामनंदा निजामुद्दीन से फौरी कुमक की दरखास्त की है। कुमक मिलते ही हम उन पर भरपूर हमला कर देंगे और उन्हें अपने इलाके से निकाल कर दम लेंगे। दोस्तों, कूच तो सुबह करना है। क्या ये अच्छा हो कि आज रात इस महफिल की इब्तदा पीर की कलाम से की जाए? वाह वाह वाह, बिल्कुल क्या बात। क्यों पीर? ठीक है ठीक है। सरदार शेख की अचानक बीमारी की वजह से कल सुबह की कोच मुल्तवी कर दी गई है। अल्लाह खैर करे।